अच्छा वो आप आ गए, हम सोच रहे थे कि आपसे आके मिले, आपसे कुछ कहना चाह रहे थे हम। जी कहिए, क्या बात है? हम सोच रहे हैं कि इस बार रामलीला का मंचन हम यहाँ अपने शक्तिशाली निवास में करें। प्रभु श्री राम कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर उसकी इंद्रियों को वश में रखने की साहस नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नानी जी की जय हो। अरे वाह बेटा वाह, कितना बढ़िया अभिनय! हमें ऐसा लगा कि साक्षात राम हमारे सामने खड़े हैं। अरे नानी जी, इसमें बात क्या करनी है, हमारा तो आप धन्यवाद लीजिए क्योंकि आपने राम जी के रोल के लिए हमारा चुनाव जो कर लिया। हा? नानी जी, इनकी गलतफहमी दूर क्यों नहीं कर देती आप? इन्हें बता दो कि राम का किरदार आप मुझे दे चुकी हो। हनुमान का तो मेरा हो चुका फाइनल, है ना? हमारे सामने दुविधा है कि हम किसको चुने, इसलिए हमने दुविधा का एक रास्ता निकाला है कि हम एक बहुत ही विख्यात कवि को बुला रहे हैं। अजाब गजाब घर जमाई। शैलेश जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। इतने व्यस्त होने के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है जगदम्बे जी, आपने इतने शुभ काम के लिए बुलाया तो मुझे तो आना ही था। चलिए आपको अपने परिवार से मिला। जी जी। ये हमारे पतिदेव पन्ना जी। जी नमस्कार। और ये है हमारी सबसे बड़ी नातिन लॉली। लॉली जी नमस्कार। नमस्ते। और ये है उनके पति महान कपूर। महान कपूर अभिनेता हैं। अरे। और ये है हमारी सबसे छोटी नातिन डॉली। नमस्ते। और ये है उनके पति चिंटू जी। नमस्कार नमस्कार। और ये है महान और लॉली की बेटी मोनिका। अच्छा, आपकी नातिन की बेटी। नातिन की बेटी, सोचिए। अरे और वो सुंदरी और पीके जमाई दिखाई नहीं दे, कहाँ है मम्मी पापा? नानी वो ना मम्मी और पापा झूले वाले बाबा के पास गए। पीके कौन? पीके हमारे सबसे बड़े जमाई, मतलब लॉली के पिताजी। हाँ जी। लॉलीपॉप जी। और इनसे आपका परिचय कराइए, है बड़े लाल। अरे वाह, इनकी वजह से हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं है। क्या बात। और इन्हीं में से शैलेश जी आपको रामलीला के पात्र चुनने जरूर। और आप हैं। अरे कौन नहीं पहचानता हैं, इतने प्रसिद्ध विख्यात कवि हैं श्री शैलेश लोढ़ा जी। इन्हें भला परिचय की क्या आवश्यकता है, इन्हें तो पूरा भारत जानता है। आपका स्वागत है जी शक्तिशाली परिवार में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये बताएं कि आप क्या लेंगे, चाय की ठंडी? नहीं मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं सीधे रामलीला के पात्रों के लिए ऑडिशन लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो आप ऑडिशन ठंडा लेंगे या गर्म? अरे लॉली तुमसे कितनी बार कहा है बेटा, तुम चुप ज्यादा रहा करो और बोला कम करो। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए ठंडा ठंडा जूस लेके आते हैं। पेड़े लेके आए आपके लिए? पेड़े? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो वेरी मच। लस्सी? लस्सी नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी कचौड़ी हमारे मिष्ठान भंडार। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टेशन वाली चाय बहुत अच्छी बनाती हूं। नहीं जी नहीं चाहिए मुझे चाय। ये तो बेकार की बातें कर रहे जी, मैं कह रहा हूँ आपसे, आप थोड़ा सा आराम करो उसके बाद करेंगे। अरे आप लोग क्यों तकलीफ दे रहे हैं, मतलब आप लोग क्यों तकलीफ ले रहे हैं? देखिए समय कम है जगदम्बे जी, तो मैं जल्द से जल्दी ऑडिशन करना चाहता हूँ। ऑडिशन के बाद रिहर्सल भी करवानी है ना इन लोगों रामलीला की, है ना? सही, तो शुरू करवाते हैं। उससे पहले जरा हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इधर आइए हमारे साथ। जी 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 जरूर आइए। ये तो बड़ी चिंता की बात है जगदम्बे जी। वही तो शैलेश जी, अगर इनको अपना मनचाहा पात्र ना मिला ना तो नाराज हो जाएंगे। किसे राम बनाए, किसे सीता, किसे हनुमान, अरे दुविधा में फंस गए हम। आप चिंता मत कीजिए, दुविधा मत पालिए आप, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप देखिए मैं अपनी विधा से आपकी दुविधा को कैसे विदा करता हूँ। चलिए मैं इन लोगों को जो पात्र दूंगा वो इस तरह से दूंगा, ये लोग मना कर ही नहीं पाएंगे। चलिए आपने एक चिंता तो दूर कर दी हमारी। वो दूसरी चिंता भी है? दूसरी चिंता ये है कि अगर मनचाहा पात्र ना मिला ना तो हमारे घर में रामायण की जगह महाभारत ना शुरू हो जाए। बात तो बिल्कुल ठीक है, इस स्थिति में मेरे ख्याल से ये चौपाई कही जाती कि शक्तिशाली परिवार की रीत सदा चली आई, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। जी, जी, जी। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आपने मुझे बुला लिया, रामलीला में कूद गए तो तीरों से क्या डरना, देखेंगे। चलिए बस सब आप पे निर्भर है। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, आइए। चलिए तो भाई शक्तिशाली परिवार के सदस्यों,
आप तो अभी से ही कैरेक्टर में आ गए, आराम से आराम से। आप सारे लोग तैयार हैं? हाँ जी हाँ। अब तो आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा तैयार। तैयार हैं आप लोग? क्या बात है। तो जगदम्बे जी, ये पात्र चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाए? जी जी सर, शुरू करें। शुरू करें तो सबसे पहले हम माता सीता के पात्र का चयन करेंगे। तो कौन आ रहा है सबसे पहले बताइए? मैं। डायलॉग बोलिए। हमें नसरों से डर लगता है स्वामी। हम इनके संध्या काल में जब ये असुर सुर लगाते हैं तब हमें ये सुर समझ में नहीं आते हैं स्वामी। बेटा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? तब मैं आपकी वाटिका से फल तोड़कर इन्हें टिका टिका कर मारते हैं स्वामी, और तब ये फल खाकर सो जाते हैं स्वामी। हमें यहाँ से ले जाइए स्वामी। हो गया, हम जाएं। क्या बात है, वाह 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 लाली जी, वाह वाह वाह। पापा लगता है कि आपके स्वामी को थोड़ा कम सुनाई देता है। ये जो आपका स्वामी था और जो आपका आखिरी डायलॉग था कि मुझे यहाँ से ले जाइए, तो मेरे मन के भावों को व्यक्त कर रहा था। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या डायलॉग डिलीवरी की है आपने, बहुत बढ़िया। आप बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत दूर तक जाएंगे। अब आप आइए सर। सीता जी। स्वामी स्वामी स्वामी, हमसे अब ये वियोग और सह नहीं होता स्वामी। हम आपके इस वियोग में मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, आपने कमाल जो अपना डायलॉग डिलीवरी है वो किया है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम, अगर हम आपको सीता बनाते हैं मान लीजिए, तो फिर ये रामलीला हो सकता है अगले बरस तक चले। हमें तो इसी बार खत्म करना है ना, तो क्या लगता है मुझे कि आपकी आंगिक भाषा जो है, मतलब बॉडी लैंग्वेज, उसे देख के आप शूर्पणखा का रोल कीजिए। बिल्कुल, यही यही एक्सप्रेशन चाहिए शूर्पणखा के लिए, यही चाहिए। लॉली जी आप सीता बनिए, ये ठीक रहेगा। बहुत अच्छे। चलिए तो अब अगला कौन आ रहा है भाई? हम आ गए साहब हनुमान जी के पात्र के लिए। जय श्री राम। क्या है देखिए, अभिनय में आप जब एक्टिंग करते हैं ना, तो रिएक्शन की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये पात्र खुलकर कब आएगा, जब सामने कोई हो? तो पंडालाल जी आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सुग्रीव बन के आ जाइए सामने। सुग्रीव 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 देखिए क्या है कि अभी आप दोनों जब खड़े हैं तो मैंने फिर से जरा आप पे नजर डाली, आप थोड़ा हनुमान जी के पात्र के लिए मुझे छोटे नजर आ रहे हैं। मैं स्टूल लेकर आता हूँ साहब। अरे बड़े लाल जी क्या कर रहे हैं, आपका नाम बड़े और इतने छोटे विचार आप रख रहे हैं। स्टूल लाके अभिनय नहीं होता, आप स्टूल पे खड़े होकर तो डायलॉग नहीं बोलेंगे ना। तो हम एक काम करते हैं, रोल रिवर्सल कर देते हैं थोड़ा सा। आप जरा इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आ जाइए, इधर इधर। हाँ 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 हाँ, आप ये ठीक है, आप बन जाइए वानरा सुग्रीव, आप हनुमान जी। ठीक है बिल्कुल। लेकिन मालकिन मैं, अरे लाल समझ गया मालकिन, मैं सुग्रीव ही बनूंगा। अरे बड़े लाल तेरे तो मजे हो गए। अरे अब तक नाना जी तुझ पर हुकुम चलाते थे, अब तू वानर राज सुग्रीव बनकर नाना जी पर हुकुम चलाएगा। अब जो बचा है वो बड़ा मुख्य पात्र है। तो माता सीता का निर्णय हो गया, हनुमान जी का निर्णय हो गया, वानर राज सुग्रीव का निर्णय हो गया, अब बचते हैं राम और रावण। तो भाई महान साहब, हाँ जी, आप जरा आके एक बार राम जी के डायलॉग बोल दे जी। जरा आप आइए। लेकिन वही वाली बात, फीलिंग नहीं आएगी जब तक सामने कोई नहीं होगा। तो राम जी के डायलॉग में पूर्ण प्रभाव लाने के लिए सामने रावण का होना बड़ा आवश्यक है। तो चिंटू जी आप एक काम कीजिए ना, आप जरा आइए, आप रावण बन जाइए। आई आई रावण बन जाइए। ये क्या बात होगी, मेरे को करना है राम का रोल तो? अरे देखो आप समझने की कोशिश करो। देखो क्या है चिंटू जी, जिंदगी में हर आदमी को कभी ना कभी कोई ना कोई रोल करना ही पड़ता है। बड़े से बड़ा अभिनेता किसी फिल्म में पिता बनता है तो किसी फिल्म में पुत्र बन जाता है।
ठीक है ना, तो अभी आप एक बार रावण के डायलॉग बोल दीजिए, महान जी राम के डायलॉग बोल देंगे, फिर हम क्या करेंगे कि महान जी रावण के डायलॉग बोल देंगे और चिंटू जी राम के डायलॉग बोल देंगे, तो एक पन दो काज हो जाएगा सर। चलिए शुरू करें। रावण ना हमें भय है तुम्हारे तीर का तलवार का, हैं युद्ध के लिए तैयार हम, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे संहार का। खामोश। देखिए क्या है महान जी, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बताऊं कि राम चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो अपने भीतर से शत्रुघ्न को बाहर निकालिए और राम के करेक्टर में आइए, हमें राम का रोल करना है। शत्रुघ्न का नहीं, आइए चिंटू जरा आप रावण बन के दिखाइए, आइए। मत भूल है राम, तू क्या करेगा मेरा संगार, जैसे को क्यों भय हो तेरे जैसे का, जब स्वयं भोले शंकर ने दिया मुझे अमृत का उपहार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने कमाल किया दोनों ने, राम और रावण के डायलॉग्स जो आपने बोले हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जहां तक डायलॉग डिलीवरी का सवाल है, क्या बात है, क्या बढ़िया डायलॉग बोले रावण आपने, के कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। अब आप रावण का पात्र कीजिए, आप बिल्कुल उसके लिए मुफीद हैं, फिट हैं उसके लिए बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूं सर, आप एक चांस दे दो, मैं राम के डायलॉग इससे भी खतरनाक बोल के दिखा दूंगा आपको। नहीं नहीं देखिए क्या है कि खतरनाक तो आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप बोल देंगे, आप खतरनाक बोलेंगे, चिंटू चटाला नाम है ना अपना तो, लेकिन क्या है कि खतरनाक डायलॉग रावण के लिए चाहिए, राम के लिए थोड़ा सौम्य चाहिए, तो आप हम उसके लिए खतरनाक जो आपका डायलॉग बचा करके रावण के लिए, ठीक है, राम का रोल तो ये नहीं करने दीजिए आप। ये क्या बात कर रहे हो शैलेश जी आप, हैं मैंने तो आपके कहने से बोले थे रावण के डायलॉग, मुझे भगवान राम बनना है, उनका पात्र दो आप। बरखुदार राम का पात्र हम ही करेंगे, रावण का पात्र हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आपसे होगा भी नहीं। आप क्या समझते हैं रावण के पात्र को, कोई ऐसा वैसा पात्र है रावण का पात्र है? अरे बड़ा कमाल का पात्र है, रावण का मुख्य पात्र है रावण, चिंटू जी समझने की कोशिश कीजिए। अरे आप तो समझदार है, आप खुद सोचिए कि अगर रावण नहीं होता तो क्या रामलीला होती? नहीं नहीं जी बिल्कुल नहीं होती। फिर कैसे होती, ना लंका दहन होती है, ना सीता रण होता, और ना ये दिवाली होती, ना ही दशहरा होता, और सारे त्योहार ही नहीं होते तो शक्तिशाली मिष्ठान भंडार की मिठाइयां कैसे बिकती है। क्या बात है भाई जगदम्बे जी, पन्नालाल जी आपका दामाद इतना समझदार है, भाई जब इतना समझदार आदमी हो तो उसे समझाने की जरूरत है। हाँ बेटा चिंटू, अगर रामलीला अच्छी होगी तो सोचो सबके सामने हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, और इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो समझ लो, कोशिश करो। ठीक है नानी जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो बचपन से वैसे त्यागी रहा हूँ शैलेश जी, बहुत त्याग किया मैंने, एक त्याग और कर देता हूँ अपने साधु भाई के लिए, जाओ बन जाओ, निभा लो भगवान राम का पात्र। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो देखो ये त्याग की भावना होनी चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आप ये जो अपना हाथ है अब इसे नीचे कर ले और इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टीज उठाने के लिए करें। क्या है कि अब तय हो गया, आप बनेंगे रावण, जगदम्बे जी तय हो गया, ये बनेंगे राम, पन्नालाल जी होंगे हनुमान, लौली होंगी शूर्पणखा, लौली होंगी सीता, और बड़े लाल जी होंगे वानरराज सुग्रीव, सारे के सारे लोग तय हो गए भाई। तो अब क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा जाइए और कैरेक्टर में आने की कोशिश कीजिए, और आप थोड़ा अपने कैरेक्टर से बाहर निकलिए, ये जो आप जो शत्रुघ्न सिन्हा राजकुमार बार बार ले आते हैं ना, उनसे जरा बाहर आइए, आपको राम बनना है जी, और आपको रावण, सारे लोग थोड़ा सा आ जाइए तैयार होके, फिर हम प्रॉपर्टी के साथ रिहर्सल करेंगे, ठीक है, चलिए। आज्ञा दीजिए प्रभु। अरे ये आप हनुमान क्यों बन रहे हैं भाई, अच्छा आज्ञा दीजिए, चलिए चलिए है, फिर आप करते रहिए, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चिंटू जमाई जी, हम दोनों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। बड़े लाल जी अन्याय तो हुआ है, लेकिन अन्याय सेना उससे भी बड़ा अन्याय है, मुझे बना दिया रावण, अब देखो पूरे दिल से निभाऊंगा रावण का किरदार। अजब गजब घर जमाई। हेलो कबूतर लाल जी, क्या हाल है? अच्छा मैं क्या कह रहा था कि ऐसा धनुष तैयार करके भिजवाओ
जिसे मिलकर 6 से 7 बंदे उठा सके, क्योंकि एक अकेले महान आदमी ने धनुष को उठाना है। ये तो खासियत है आपकी, बोलते ही समझ जाते हो बात को। तो तैयार आप लोग, रिहर्सल प्रारंभ करें। एकदम मुझे क्या कहती है, सबसे पहले राम का धनुष उठाने की रिहर्सल करें? बिल्कुल वही सही रहेगा। अब ये हाथ नहीं, दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए और धनुष उठाइए। जी आशीर्वाद। अरे भैया इतना फुटेज मत खाइए, जल्दी उठाइए। जी 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 उठा रहा हूं। और जोर से, और जोर से। ये धनुष तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं रहा है। एक काम क्यों नहीं करते साडू भाई, बिना धनुष के डायलॉग बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। आप चिंता न करिए, हम दूसरा धनुष मंगवा लेंगे। अगला प्रसंग कीजिए। जैसा आपका, तो मेरे ख्याल से जो सीता माता की खोज में हनुमान जी गए वो प्रसंग हम उसकी रिहर्सल करते हैं। वो आप ही करेंगे, आप हनुमान बने। आइए पन्नालाल जी। जी। हे भगवान राम, आप व्यथित ना हो, मैं प्रण करता हूं कि सीता माता को लेकर वापस आऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जमाई बाबू अब देखिएगा, आएगा मजा। उठाइए उठाइए पन्नालाल जी, उठाइए गदा। वो क्या है ना जमाई बाबू, सरसों का तेल खाने में भी बढ़िया होता है और लगाने में भी। मेरे साथ रह के तेरा कुछ फायदा हो रहा है, हैं? वरना तो तू डसता ही है हमेशा। पन्ना जी आप बैठिए, रहने दीजिए, आइए बैठिए। हम जरा देखते हैं ये क्यों नहीं उठ रहा है, ना धनुष ना गदा। सरसों का तेल। जगदम्बे जी, जगदम्बे जी कोई बात नहीं, अब धनुष और गदा कर रहे हैं हमको तंग, तो कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं अगला प्रसंग। नहीं नहीं शैलेश जी, अगला प्रसंग तभी शुरू होगा, पहले हमारी ये जो महाभारत छिड़ी है इसको खत्म करना पड़ेगा। क्या बात होगी नानी जी? क्या बात होगी, ये तुम पूछ रहे हो चिंटू? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, राम का किरदार नहीं कर पाए तो रावण बन गए। अरे लाल, तुम भी इनका साथ दे रहे हो? तुम दोनों ने सरसों का तेल गदा पे लगा दिया और धनुष को इतना भारी बना दिया कि कोई उठा ही नहीं पाए। अच्छा, रामलीला का पात्र कर रहे हो, ये भूल गए कि रामलीला के किरदार मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामते हैं, टांग नहीं खींचते हैं। चलिए कोई बात नहीं जगदम्बे जी, नादानी हो गई इनसे, मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं शैलेश जी, आप इन्हें समझा ही नहीं पाएंगे, इतना शर्मिंदा कर दिया इन सब ने हमें। हम सिर्फ आपसे माफी मांग सकते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया यहाँ, क्षमा करें हमें। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कह रही हैं जगदम्बे जी, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को न तो रामलीला करने की जरूरत है न मेरी, मैं चलता हूँ फिर। शैलेश जी एक मिनट, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे किए पर, ये सारा खेल ना मेरे बिगाड़ा हुआ है, मैंने गड़बड़ की है सारी। चिंटू चटोला नाम है मेरा, एक बार मौका दे दो सब कुछ सही कर दूंगा। पक्का?
सुबह का भूला शाम को घर लौट आया तो उसे भूला नहीं कहते, इसलिए चलिए एक मौका आपको देते हैं। लेकिन शैलेश जी, हमारी तो अब तक तैयारी भी नहीं हुई है। अरे कोई बात नहीं बड़े लाल, तुम्हारी नीयत तो अच्छी हो गई ना। तो जब नीयत अच्छी होगी तो भगवान राम भी साथ देंगे, रामलीला कमाल की होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। अजब गजब घर जमाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो मैं ज्ञापित करना चाहूंगा जगदम्बा जी का, जिन्होंने आज रामायण जैसे महाकाव्य को मंचित करने के लिए मुझ जैसे कवि को यहां आमंत्रित किया इस शुभ कार्य का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मित्रों, आज शक्तिशाली परिवार के सदस्यों द्वारा आज हम यहाँ रामायण के कुछ प्रमुख प्रसंगों का मंचन करेंगे। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेके हम ये रामलीला प्रारंभ करना चाहते। तो आइए सबसे पहले प्रस्तुत है वो प्रसंग जिसमें लक्ष्मण द्वारा नाक काट जाने पर शूर्पणखा रोती बिलखती अपने भाई रावण के पास पहुंची। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भ्राताश्री, भ्राताश्री। डॉली, बहन शूर्पणखा, किसने की तुम्हारी यह दुर्दशा? राम लक्ष्मण नामक दो भाइयों ने। रावण है हम रावण, जिसका जमाना जानता है। अरे कच्चे पक्कों की खैर नहीं, बच्चा बच्चा हमसे कांपता है। हम प्रण लेते हैं बहना, हम तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लेंगे। हम सीता का हरण करेंगे। हम लंकेश है। तो मित्रों, बहन की कटि नाक देखकर उद्वेलित हुआ रावण का अंतःकरण, और जब जाना कारण तो क्रोधित होकर बोला रावण के, अब मैं करूंगा सीता हरण। तो अब देखते हैं सीता हरण का प्रसंग। तो साधु वेश धरकर, माया जाल से साधु वेश धरकर पहुंचा रावण सीता हरण करने। राम जय। भिक्षा, भिक्षाम देई। ग्रहण करें सन्यासी। बालिका, हम किसी के ग्रह में घुस के भिक्षा नहीं लेते, बाहर आके दो। परंतु सन्यासी। कोई किंतु परंतु नहीं, साधु का अपमान कर रही हो बालिका। ग्रहण करे सन्यासी। स्वामी, स्वामी, स्वामी मुझे बचाइए। स्वामी नहीं, रावण। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। तो देखा आपने कारुणिक प्रसंग, साधु को द्वार पर देखकर सीता को किंचित हुई न शंका, और पार कर गई वे लक्ष्मण रेखा, और रावण हर के ले गया उन्हें लंका। लीजिए प्रस्तुत है रामलीला का, रामायण का अगला प्रसंग, श्री राम द्वारा सुग्रीव को लंका पे चढ़ाई का आदेश देना। हनुमान जी के मुख से सीता की व्यथा कथा सुनकर इतने व्यथित हुए श्री राम कि सुग्रीव को लंका पे चढ़ाई का आदेश दे डाला। राम, प्रभु की जय। ये सीता मैया ने अपनी मुद्रिका दी,
सीते वानर राज सुग्रीव और हनुमान हमें लंका की ओर प्रस्थान करना होगा। आओ भ्राता चलो। तो देखा आपने, देख सीते की मुद्रिका, तब राम का हृदय भर आया, भाई अश्रुधार आंखों से और लंका कूच का आदेश सुनाए। तो मित्रों अब प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला और अंतिम प्रसंग, राम रावण युद्ध। प्रभु श्री राम ने रावण को युद्ध के लिए ललकार। हम लंकेश है। लंकेश अभी भी तुम्हारे पास समय है, या तो सीता को हमें वापस सौंप दो वरना हमसे युद्ध करो। आक्रमण। जय श्री राम। जय श्री राम। जानता था कि अच्छाई की हमेशा बुराई के ऊपर जीत हुई है, इसीलिए मैं आज आप सबके सम्मुख आया हूं ताकि मेरा वध हो सके, बुराई का वध हो सके और अच्छाई की जीत हो। हर इंसान के अंदर राम और रावण होते हैं, किंतु हमें अपने अंदर के रावण को मारकर हृदय रूपी अयोध्या को बनाना चाहिए, क्योंकि सदैव उसमें भगवान राम का वास होता है और जहां राम बसते हैं वहां राम राज्य होता है। जय श्री राम। जय श्री राम। वाह तो देखा आपने, नाभि पे तीर लगते ही रावण का हुआ अंत, और अंत समय में रावण वो बातें करने लगा जैसे करते हैं साधु संत। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और शक्तिशाली परिवार आपने कमाल कर दिया, बहुत बहुत बधाई। क्या बात बेटा चिंटू, कमाल कर दिया तुम। अरे नानी जी की जय हो। नानी जी ये सब कुछ मैंने अकेले थोड़ी किया है, हम सबके आपके सबके सहयोग से हुआ है ये तो, है वरना मुमकिन कहां था। और चले जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमें सिखाया कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं नहीं मेरा धन्यवाद मत कीजिए आप लोग, धन्यवाद तो प्रभु श्री राम का जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। हाँ वो तो है। जय श्री राम। अरे एक महाकाव्य का मंचन और एक कवि ना आए ऐसा संभव है, इसलिए धन्यवाद तो आप लोगों का। लेकिन बेटा चंद हाँ? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, रामलीला में रावण जैसे खलनायक का पात्र निभाकर अंत में हीरो तो तुम ही बन गए। नानी जी की जय हो। नानी जी अगले साल रामलीला में रावण हम ही बनेंगे। अगले साल क्यों, हर साल तुम ही रावण बनना। जगदम्बा जी आपको, पूरे शक्तिशाली परिवार को और सभी मथुरावासियों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अजब गजब